Prime Minister Narendra Modi today met Indologists, Hindi language students and Indian community in Tashkent and said that a common language binds strangers who meet in a foreign land. तो मैं मानता हूँ कि एक सबसे बड़ी चीज हाथ लगती कि भाषा का हृदय बड़ा विशाल होता है, उसके डीएनए से पता चलता है, क्योंकि भाषा सबको अपने में समाहित कर देती है, उसे कोई बंधन नहीं होते, न रंग का बंधन होता है, न काल का बंधन होता है, न क्षेत्र विशेष का बंधन होता है, इतना विशाल हृदय होता है भाषा का, वो हर किसी को अपने में समाहित कर देती है। दो राष्ट्रों के संबंध सिर्फ सरकारी व्यवस्थाओं के तहत सीमित नहीं होते, दो राष्ट्रों के संबंधों की मजबूती की आधार पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होता है, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का आधार सांस्कृतिक आदान प्रदान, एक दूसरे की परंपराओं को, इतिहास को, संस्कृति को जानना, जीना, ये बहुत बड़ी ताकत रखता है। आपके ये प्रयास भारत और उज्बेकिस्तान के साथ पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्रयास है। ये संबंध बड़े गहरे हो और बड़े लंबे अरसे तक रहते, सरकारें बदले, व्यवस्थाएं बदले, नेता बदले, लेकिन ये नाता कभी बदलता नहीं है। जो नाता आप जोड़ रहे हैं आपके प्रयासों से, इसको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आने वाले दिनों में भारत और उज्बेकिस्तान के आर्थिक, सामरिक संबंध और गहरे होते जाएंगे, जो दोनों देशों को ताकत देंगे, इस रीजन को ताकत देंगे, और इस रीजन के साथ भारत मिलकर के मानव जाति के कल्याण के लिए, सामान्य मानव के सुख के लिए उत्तम से उत्तम काम करते रहेंगे। पावर्ड बाय NNIS।